बच्चों मेरा नाम है मिस्टर ख्वारिजमी क्या आप मुझे जानते हैं मैं नाइन्थ सेंचुरी का मुस्लिम मैथमेटिशियन हूँ मुझे फादर ऑफ एल्जेब्रा भी कहा जाता है और कुछ लोग मुझे ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं तो चले फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं वेल डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स और सिंबल की कलेक्शन को कहते हैं ये तमाम ऑब्जेक्ट्स इसके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं अब हम डिफरेंट सेट्स और उनकी नोटेशन को रिक्लाइज करते हैं सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है सेट ऑफ होल नंबर सेट ऑफ होल नंबर को W के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स को Z के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को P के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स सेट ऑफ आर्ट नंबर्स को ओ के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है सेट ऑफ इवन नंबर्स नंबर्स सेट ऑफ इवन को के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू के साथ डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों मैं हूं आपका टीचर अल अलखारिजमी उम्मीद है पिछले लेक्चर से आपको सेट और उसकी रिप्रेजेंटेशन की समझ आ गई होगी अब हम टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट में हम सबसे पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के मतलब पढ़ेंगे फाइनाइट सेट।, सेट, सेट है जिसके मेम्बर्स की तादाद को काउंट किया जा सकता है मिसाल के तौर पर एक्स बराबर है एक दो तीन और चार के मतलब इसके चार मेंबर हैं इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके मेंबर्स की तादाद को गिना ना जा सके जैसा कि होल नंबर्स का सेट चलें टाइप्स ऑफ सेट पे एक ब्रीफ सी वीडियो देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट एम सेट सिंगल्टन सेट फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट यूनिवर्सल सेट सबसेट, सबसेट, सब सेट प्र सेट वो सेट होता है जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता ये एक एम सेट है फर्ज करें ये ई है इसको इस तरह भी शो किया जा सकता है सिंगलटन सेट वो सेट है जिसका सिर्फ एक एलिमेंट होता है सेट एस एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसका एलिमेंट एक ही है फाइनाइट सेट वो होता है जिसके लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं मिसाल के तौर पर सेट एफ सिक्स से कम काउंटिंग नंबर्स का सेट है इनफाइनाइट सेट वो सेट है जिसके एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं मिसाल के तौर पर सेट एन एक काउंटिंग नंबर्स का सेट है और इसके एलिमेंट्स वन टू थ्री एंड सो ऑन है ये एक फाइनाइट सेट है जो कि जीरो से वन हंड्रेड के दरमियान होल नंबर्स का सेट है सेट बी प्राइमरी कलर्स का सेट है जिसकी तादाद तीन है सेट सी बारह से कम प्राइम नंबर्स का सेट है और इसकी तादाद पाँच है इनफाइनाइट सेट में डब्ल्यू है जो कि इवन होल नंबर्स का सेट है और यह अनलिमिटेड है और एक्स भी एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि यूनिवर्स के एटम को काउंट नहीं किया जा सकता वाई प्राइम नंबर्स का सेट है और इनफाइनाइट है अब हम कुछ नल या एम सेट की एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे कि उन डॉग्स का सेट जिनकी सिक्सटीन लेग्स होती हैं इसी तरह उन कंप्यूटर्स का सेट जो एक ही टाइम में ऑन भी हो और ऑफ भी ऐसी ट्रायंगल्स का सेट जिनकी चार साइड्स हों और ऐसे मंथ का सेट जिनमें 32 थर्टी टू डेज हों ऐसे बाइसिकल्स का सेट जिनके व्हील ना हो और ऐसे होल नंबर्स का सेट जो इवन भी हो और भी चलें अब हम फाइनाइट और इन फाइनाइट की एक और वीडियो और इन फाइनाइट के दरमियान फर्क को देखेंगे फाइनाइट सेट वो सेट होता है जो या तो खाली हो और अगर खाली ना हो तो उसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके इसका कोई एंड पॉइंट हो मिसाल के तौर पर पी जो कि मल्टीपल ऑफ फाइव का सेट है ये एक फाइनाइट सेट कहलाता है इसके एलिमेंट्स को काउंट भी किया जा सकता है और इसका एक एंडिंग पॉइंट भी है क्यू नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि 25 से कम है और ये भी फाइनाइट सेट है अमेरिका में मौजूद तमाम पर्सनस का सेट फाइनाइट सेट है क्योंकि इनको काउंट किया जा सकता है कैलिफोर्निया में मौजूद बर्ड्स का सेट एक फाइनाइट सेट है यहाँ बर्ड्स से मुराद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं लाइक स्पैरो एक्सेट्रा चलें अब हम इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं इनफाइनाइट के एलिमेंट्स लिस्टेड नहीं होते और उनको ना ही काउंट किया जा सकता है मिसाल के तौर पर नेचुरल नंबर्स का सेट जिसकी कोई फाइनाइट नहीं होती उसे इनफाइनाइट कहते हैं एक प्लेन में डॉट्स की तादाद इनफाइनाइट है क्योंकि हम उन नुकात को नहीं गिन सकते दूसरी एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि थ्री का मल्टीपल होते हैं इनफाइनाइट कहलाते हैं थर्ड एक लाइन सेगमेंट में तमाम पॉइंट्स का सेट इनफाइनाइट है तमाम होल नंबर्स का सेट एक फाइनाइट सेट है तमाम नेचुरल नंबर्स का सेट भी इनफाइनाइट है और तमाम इंटीजर्स का सेट भी इनफाइनाइट होता है बस इसकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स इनफाइनाइट होती हैं चलें अब हम टाइप्स ऑफ सेट से मुतल कुछ एम सॉल्व करते हैं नंबर वन सेट जी लिक्विड सॉलिड गैसेस प्लाज्मा किस टाइप का सेट है ऑप्शन वन एम ऑप्शन टू फाइनाइट ऑप्शन इनफाइनाइट या इनमें से कोई भी नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है फाइनाइट नंबर टू सेट एज किस टाइप का सेट है ऑप्शन वन एम ऑप्शन टू फाइनाइट ऑप्शन थ्री इनफाइनाइट या इनमें से कोई भी नहीं तो इसका करेक्ट आंसर है इनफाइनाइट नंबर थ्री इन में से फाइनाइट सेट कौन सा है ऑप्शन वन वॉवल्स का सेट ऑप्शन टू डेज ऑफ वीक का सेट ऑप्शन थ्री प्राइमरी कलर का सेट ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर नंबर फोर इन में से इन फाइनाइट सेट कौन सा है ऑप्शन वन इंटीजर्स ऑप्शन टू स्टेट इन द यूएसए ऑप्शन थ्री अल्फाबेट्स का सेट ऑप्शन फोर नन ऑफ द द आंसर इज़ इंटीज़र्स का सेट नंबर फाइव इनमें से एम या नल सेट कौन सा है आंसर कार विद मोर देन डोर्स. क्योंकि इस तरह की कोई कार है ही नहीं बस ये एक नल सेट है अब हम देखते हैं कि किस तरह हम एक सेट के सब सेट को फाइंड कर सकते हैं इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल को कंसिडर करना होगा एग्जाम्पल में हमें एक सेट x दिया गया है और हमें इसके सबसेट्स को फाइंड करना है सेट x के सबसेट्स को फाइंड करने से पहले अगर हमें ये मालूम करना हो कि इस सेट के कितने सबसेट्स हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसके मुताबिक नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसा कि एक्स सेट में ये तमाम लेटर्स इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं और इनकी तादाद टू की पावर फोर है जिसकी वजह से इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स सेट सिक्सटीन होंगे सबसेट में सबसे पहला सेट एम्प्टी सेट होता है एम्प्टी सेट के बाद हम ए को अलहदा सबसेट में लिखेंगे बी को अलहदा सबसेट में लिखा जाएगा सी को अलहदा सबसेट में लिखा जाएगा डी को अलहदा सबसेट में लिखा जाएगा इसके बाद दो दो एलिमेंट्स के पेयर बनेंगे यानी A और B को अपेक्षाकृत सबसेट में लिखा जाएगा A और C को अपेक्षाकृत सबसेट में लिखा जाएगा A और D को अपेक्षाकृत सबसेट में लिखा जाएगा BC को अपेक्षाकृत सबसेट में लिखा जाएगा BD को अपेक्षाकृत सबसेट में लिखा जाएगा CD को अपेक्षाकृत सबसेट में लिखा जाएगा अब हम तीन-तीन एलिमेंट्स -तीन के पेयर बनाते हैं यानी AB और C को अपेक्षाकृत सबसेट में लिखा जाएगा abd को अलग-अलग सबसेट में लिखा जाएगा bcd को अलग-अलग सबसेट में लिखा जाएगा acd को अलग-अलग सबसेट में लिखा जाएगा इसके बाद चार एलिमेंट्स के पेयर बनेंगे और abcd को अलग-अलग सबसेट में लिखा जाएगा अगर आप इन सबसेट्स को काउंट करें तो इनकी तादाद 16 होगी सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन